गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय सिंपल वर्ल्ड। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पाव का हलवा, जिसे डबल का मीठा कहते हैं वो। तो उसके लिए मैंने ले लिए ये 6 पाव, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे ऑयल रख दिया गर्म होने, जिसमें हमारे पाव को हमें डीप फ्राई करके निकालना है। और यहाँ साइड में मैंने हंडी ले ली है, इसमें मैं 1/2 लीटर जो है दूध बोतलों में डालूँगी, ठीक है। तो गाइस ये देखें, ये ऐसे 1 के 2 कर लिए मैंने पीसेस, ठीक है, जिसे हमें अभी डीप फ्राई करना है। तो पाव को आप इसे 4 पीस में भी कर सकते हैं वैसे, पर मैं जो है ना 2 में रखती हूँ, खाने में सही से आते, ठीक है। तो ये हमारे पाव यहाँ रेडी है। ये अभी हमारे दूध में बॉईल आने को है, तो ये टाइम में हम इसमें डाल देंगे शक्कर। ये ऐसे चम्मच से मैं डालूँगी 5 चम्मच, 4, 5, ठीक है। आप अपने हिसाब से मीठा रख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसे मीडियम रखूँगी, ज़्यादा स्वीट नहीं रखूँगी। और ये टाइम में इसमें आप डालेंगे हमारा ये थोड़ा सा कलर, ये इतना सा कलर डालना है, ठीक है। आप केसर यूज़ कर सकते हैं, अभी केसर है नहीं मेरे पास, तो मैं इसमें कलर का ही यूज़ करूँगी। वैसे चाशनी बना के भी लोग डालते हैं, जिसमें अलग से चाशनी डालते हैं पाव पे, फिर दूध डालते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा इजी है, टाइम सेविंग है, तो मैं यही प्रेफर करती हूँ। टेस्ट वैसे दोनों का सेम ही होता है। तो गाइस अब हमारा ऑयल रेडी हो गया है, इसे घी में भी बना सकते हैं, पर मैं जो है सेंक के तेल में बना रही हूँ। घी बहुत जम जाता है, क्योंकि पाव का हलवा ठंडा खाना पसंद करते हैं ना हम, तो घी बहुत जम जाता है, तो इसीलिए यही ले अब मैं दादू से देख रहे हूँ, ठीक है। तो ये साइड में हमारा दूध जो है ना अच्छे से, ये स्लो पे मैंने इसे बॉईल कर लिया है, ये रेडी है हमारा मिल्क। लाओ लाओ कितना दूध आ गया, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया, देखो ये ना कड़क कड़क हो जाएगा, ये ऐसे क्रिस्पी हो जाएगा। आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ आने लगेगी, ये एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे, तब हमें इसे निकालना है। इसे और थोड़ा 1 मिनट और करूँगी, कितना अच्छा कलर आया, देख जलाना नहीं है इसे बिल्कुल भी। तो देखिए अब ये हो गया रेडी, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे हम, वरना ये हमारे पाव जो है ना जल जाएंगे। ये देखो बस हमें इसे निकाल देना है, ये इतने हमारे हो गए। अब ये जो बाकी के पाव है इन्हें भी मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। ये भी इसे भी ऐसे ही हमें गोल्डन कर लेना है, मैं आपको इसे बाद में लगा के लेयरिंग करके बताऊंगा। ये हमारा मावा है खोआ, इसे हम ना थोड़ा इससे ग्रेट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वरना बहुत बड़ा बड़ा मुंह में आने लगता है, देखिए ऐसे आ जाएगा। मैं सारा ग्रेट करके आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये मैंने सारा अपना मावा जो है ना ग्रेट कर लिया, देखें इससे क्या होता है, ये मुंह में नहीं आते बड़े बड़े, ये थोड़े थोड़े रह गए, देखो ये ऐसे मोटे मोटे चंक्स। चलो ठीक है, अब हमारे हलवे की हम लेयरिंग करते हैं। तो अब हम हमारे हलवे की लेयरिंग करेंगे, उसके लिए ना ऐसे बर्तन लेना आप ऐसे, ताकि ना जब ऐसे लेयर रखें ना हम, तो वो ना ऐसे एक के ऊपर एक आए, ज़्यादा ऐसे चौड़ा बर्तन, मतलब कि ये देखिए ये हो गया ये इस टाइप का, ये नहीं लेना, क्योंकि इसमें ना पूरा फैल जाएगा, तो वो हमें ऐसा थिक में नहीं मिलेगा, इसमें हमें हलवा ऐसा थिक पीस निकलेगा। चलो स्टार्ट करें, फटाफट से मैं ये पीसेस लगा देती हूँ। 2 लेयर लगाएंगे हम, तो पहले हमने अपनी 1 लेयर जो है वो सेट कर ली, ये हो गई हमारी 1 लेयर सेट। अब इस पर डालेंगे ये हमारा लगाया हुआ दूध, ऐसे नहीं डाल सकते इसको, धीरे धीरे डालना होगा, मैं ऐसे डालती हूँ। ये डाल दिए हमने दूध, अब डालेंगे अपना ये खोआ। इसी तरीके से अब फिर से इसके ऊपर है ना हमने पाव सेट,
जहाँ जहाँ खाली जगह है बस वहाँ वहाँ आपको सिर्फ करते जाना। देखिए हमारे पीसेस अब मावे के बाद इस पे डालेंगे दूध। दूध चारों तरफ अच्छे से डालना है जिससे हमारा पाव जो है ना वो अच्छे से नरम हो जाए, सारा सोख ले। फिर डालेंगे मावा। फिर से डालेंगे दूध। और अब इसे हम पूरी तरीके से मावे से कवर कर देंगे और ये हो गया हमारा हलवा रेडी। अब मैं इसे रखूँगी फ्रिज में, फिर आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ कि ये कैसा बना था। गाइस मैंने अपना पाव का हलवा फ्रिज में रख दी थी सेट होने, ये देखिए सेट हो गया। ये सारा दूध इसने पी लिया है, पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है। चलो इसे डिश आउट करते हैं। देखिए ये साइड देखो जैसे हमने लेयरिंग की थी कितना सॉफ्ट है ये देखिए। ठीक है ये देखिए। यम्मी यम्मी ग्रेट।